बाढ़ से पधारे हुए अतिथिगण महोदय, जिनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने हमें इस गणतंत्र दिवस की बेला पर अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया। उपरांत इसके स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और मेरे समस्त साथीगण और सम्माननीय अभिभावक जो यहाँ पे पधारे हैं, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी। उपरांत इसके जो समक्ष मेरे बेटे हैं, प्यारे बालक और बालिकाओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बोलने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। कृपया विद्यालय परिवार शांति का परिचय दें। जो भी बालक अपनी जगह पे खड़े हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। सिक्स क्लास अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो भी जहाँ भी खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। लाइन में बैठ जाओ अभी। गणतंत्र दिवस अभी आपको सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये है वो है सब पता है। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है, उसके बारे में मैं दो शब्द आपको बताना चाहूँगी कि हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ और ये किसने करा, कैसे हुआ और इसकी वजह क्या रही, और इसके जो मेन करता थे अपने घर में भी जो अपने लीडर होते हैं, कहाँ भी देखो उनकी भूमिका अहम होती है। तो हमारे संविधान के जो फादर थे और हमारे संविधान के जो पिता थे वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर हमारा संविधान लागू हुआ है तो वजह उनकी वो रहे हैं, तो भीमराव अम्बेडकर थे। यानी कि मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि कोई वर्ग, कोई जाति, कोई रंग, कोई वेशभूषा, कोई गांव, कोई शहर, कोई मायना नहीं रखता, अपनी खूबी होती है तो इंसान कहाँ भी अपना स्थान पा ही लेता है। तो भीमराव अंबेडकर यानी कि सबसे निम्न वर्ग जिसको अपन बोलते हैं, उसमें उनका जन्म हुआ था। तो जब वो विद्यालय गए, छुआछूत अस्पृश्यता जिसको अपन कहेंगे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा उसका शरोबार था। वो किस प्रकार, जिस विद्यालय में वो स्कूल जाते थे, यानी कि जहाँ बालक चप्पल खोलते थे, यानी कि जहाँ उनका पदवेश खोलते थे, उस समय उस जगह पे उनको स्थान दिया जाता था जिस विद्यालय में वो स्कूल जाते थे। और जब तक चपरासी उनके विद्यालय में प्रवेश नहीं करता, चाहे वो जितने भी प्यासे हो, लेकिन उनको कोई पानी नहीं पीने देता था और क्लास में उनको एंट्री नहीं थी। क्यों क्यों एंट्री नहीं थी? क्लास में सबसे सर्वोच्च बालक थे, लेकिन एंट्री इसलिए नहीं थे क्योंकि वो निम्न वर्गों में जन्मे थे। इस वजह से, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं उनकी मेंटेलिटी कैसी थी, उन टीचरों की भी मेंटेलिटी कैसी थी, यानी कि प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, प्राथमिकता किसको देनी थी और प्राथमिकता किसको देने नहीं पता। लेकिन अंबेडकर का जीवन परिचय मैंने बहुत पढ़ा है और अभी भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो मैंने देखा और मैंने पढ़ा, तो उसमें बताया कि भीमराव अंबेडकर को सबसे अंतिम स्थान दिया जाता था, लेकिन मलाल उनको बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा और उन्होंने सोचा कि जब मेरी खूबी आएगी तो स्थान मुझे अपने आप ही मिल जाएगा। यानी कि जो पूरे ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी जिसको बोलेंगे, इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी धारण करी, और उस समय के वो प्रथम भारतीय थे जिस समय उन्होंने पीएचडी धारण करी थी। और ऐसा उनके बारे में मैंने अध्ययन किया है कि उनके पास जिस समय संविधान लागू हुआ था, उनके पास उस समय 50,000 बुक थी और 35 उनके पास डिग्रियां थी। जिस दिन वो संविधान में खड़े हुए थे, कोई उनका सानी नहीं था। सानी का मतलब उनके समकक्ष बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और उन्होंने उस संविधान को, पूरे वर्ल्ड का संविधान उन्होंने पढ़ा, और कैसे पढ़ा, और अपने संविधान को उन्होंने किस प्रकार से, कौन सी चीज कहां से लेनी है और कहां रखनी है, और अस्प्रय उन्होंने कहा, और उनको बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, कि मैं इस संविधान में आरक्षण दूंगा, और आरक्षण किसको, जो निम्न वर्ग के प्राणी है, यानी जो निम्न वर्ग के बालक और बालिकाएं, उसके लिए इस आरक्षण से उनको वो स्थान हासिल होगा जो मुझे नहीं हुआ। तो भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से हमारा संविधान लागू हुआ, बाबा साहेब के नाम से जिनको जाना जाता है, और हमारे संविधान की जिसकी आत्मा उनको कहा जाता है, ऐसे हमारे वो फादर रहे और संविधान के पिता हैं। उनके निर्माण में उनकी अहम भूमिका नहीं, वो ही संविधान के फादर जिसको हम कहें तो सर्वोच्च होगा, और जिसमें अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, तो संविधान के फादर किसको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। कहने के लिए इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इतना कहके बात को विराम देती हूँ और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।